बाला साहेब ठाकरे ने अपने जीते जी उद्धव ठाकरे को सेट कर दिया था। परिवार, पार्टी, सरकार सब कुछ सौंप दिया। राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे तब बाला साहेब के पास समय ही कहां था पोते आदित्य ठाकरे के बारे में सोचने के लिए। उद्धव ठाकरे ने कमान संभाली तो उन्होंने बेटे आदित्य ठाकरे को सेट करना शुरू किया। युवा शिवसेना की कमान सौंपी। 2019 में पहली बार मुंबई की पॉश वर्ली सीट से चुनाव लड़वाया। 2019 से 2024 के बीच बहुत कुछ बदल गया। जो दोस्त थे उनसे ही लड़ाई हुई। बीजेपी शिवसेना के निशाने पर है। आदित्य ठाकरे वर्ली से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे आदित्य ठाकरे को हराने के लिए गहरा चक्रव्यूह बना है। पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी ने सांसदों को विधानसभा लड़ाने का प्रयोग किया। ज्यादातर प्रयोग सफल रहे तो वहीं पट्टी बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को पढ़ाई है। मुंबई की वर्ली सीट शिवसेना के पास है। हो सकता है कि बीजेपी ने शिंदे के कान में कहा है कि आदित्य ठाकरे को हराना है तो मिलिंद देवड़ा को लड़ा दो। मिलिंद देवड़ा की संभावित उम्मीदवारी में चौंकाने वाली है ये कि कांग्रेस के छोड़ने के नाम के तौर पर मिलिंद देवड़ा को फरवरी में राज्यसभा सांसद बनाया था। दो दिन पहले उन्हें संसदीय समिति का चेयरमैन बनाया गया। अब अचानक विधानसभा चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। बीजेपी का पैटर्न यही है कि अगर विधानसभा चुनाव जीत लिया तो फिर विधानसभा में ही रहना होगा। संसद सदस्यता छोड़नी पड़ सकती है। हार गए तो राज्यसभा में तो रहेंगे ही। मुंबई का देवड़ा परिवार करीब 55 साल तक कांग्रेस का भक्त रहा। पिता मुरली देवड़ा मुंबई के मेयर, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे। कांग्रेस के ऐसे बड़े नेताओं में थे जिनकी पहुंच सीधे गांधी परिवार से थी। मुरली देवड़ा के निधन के बाद मिलिंद देवड़ा के लिए कांग्रेस में जगह बनाना मुश्किल नहीं रहा। कांग्रेस ने मुरली देवड़ा की मुंबई वाली राजनीतिक विरासत संभालने के लिए मिलिंद देवड़ा को अपना लिया। राहुल गांधी की कोर टीम के मेंबर हो गए थे मिलिंद देवड़ा। 27 साल में सबसे यंग सांसद बने। मनमोहन सरकार में मंत्री पद मिला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाए। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक लोकसभा चुनाव से पहले मिलिंद देवड़ा ने पाला बदल लिया। बीजेपी में तो नहीं गए, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में ज्वाइनिंग हुई। कांग्रेस छोड़ने के इनाम में मिला राज्यसभा टिकट। साउथ मुंबई सीट से मिलिंद ने 2004 और 2009 में लोकसभा चुनाव जीता। तब मुंबई में कांग्रेस के लिए चुनाव जीता मुश्किल नहीं होता था। 2014 के बाद चुनाव जीतना मुश्किल हुआ तो मिलिंद देवड़ा भी जीत नहीं सके। वर्ली साउथ मुंबई लोकसभा सीट की ही विधानसभा सीट है। 1980 के बाद कांग्रेस कभी वर्ली से नहीं जीती। 2009 को छोड़कर 1990 से 2019 तक हर चुनाव शिवसेना ने जीता। शायद इसलिए आदित्य ठाकरे के लिए वर्ली जैसी सीट जो है वो सेफ सीट निकाली थी उद्धव ठाकरे ने। तब शिवसेना और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ते थे। बाला साहेब के ही समय में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अलग हो गए थे। खराब संबंधों के बाद भी 2019 में उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को वर्ली से उतारा तो राज ठाकरे ने बड़ा दिल दिखाया। परिवार के बच्चे के लिए उन्होंने एमएनएस का उम्मीदवार नहीं दिया। आदित्य ठाकरे के लिए चुनाव और आसान हुआ। खतरे की घंटी बजी लोकसभा चुनाव में। साउथ मुंबई सीट से शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत के जीतने के बाद भी वर्ली में शिवसेना फंसते फंसते बची। सिर्फ 6,700 वोटों की लीड ले पाए अरविंद सावंत। ये संभव है कि लोकसभा का पैटर्न देखकर ही शिवसेना बीजेपी ने अब ये सोचा कि थोड़ा धक्का लगाएंगे तो वर्ली में आदित्य ठाकरे को भी हरा सकते हैं। आदित्य ठाकरे को हराने के लिए कोई तगड़ा फेस ढूंढते ढूंढते ही नजर टिकी मिलिंद देवड़ा पर। आदित्य ठाकरे के लिए वर्ली का चुनाव थोड़ा टफ उद्धव ठाकरे ने भी बनाया। 2019 में जब उद्धव ने आदित्य को लॉन्च किया तो राज ठाकरे ने इसे अपने परिवार का चुनाव माना। 2024 में जब राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे को माहिम से लॉन्च कर रहे हैं तब उद्धव ठाकरे रिश्तेदारी भूल गए। माहिम से शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार उतार दिया। बदले के एक्शन में राज ठाकरे भी पारिवारिक शिष्टाचार भूल गए। राज ठाकरे ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ संदीप देशपांडे को एमएनएस का उम्मीदवार बनाया है।
आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।